कैसे हैं दोस्तों आप सब। तो आज से हम अपनी नई सीरीज़ शुरू करेंगे, नई सकुलेंट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सकुलेंट ग्रो करना बिगनर के लिए और ए टू जेड सकुलेंट की डिटेल्स ऑल, इसमें कैसी सॉइल होनी चाहिए सकुलेंट्स की, क्या क्या फर्टिलाइज़र जाते हैं सकुलेंट्स ग्रो करने के लिए, और क्या क्या कब कब इनमें पानी डाल रहे हैं, और कैसी कैसी परेशानी आती है सकुलेंट ग्रो करने में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सकुलेंट केयरिंग टिप्स में आपका स्वागत है। हेडलाइन देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम सकुलेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आज से, जिसमें सकुलेंट की ऑल डिटेल मिलेंगी आपको। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फॉर द बिगनर कि सकुलेंट आप कैसे ग्रो करें बिगनर्स। ये है आपका फायर स्टॉर्म, ये बिगनर के लिए अच्छा प्लांट है सकुलेंट ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये एक हार्डी सकुलेंट है और इजीली प्रोपगेशन हो जाता है। इसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है, बस यह इसके सनलाइट का ध्यान रखना पड़ता है, बस सनलाइट इसे बराबर मिलती रहे, जिससे इसके पत्तियों में बीच में ये गैप देख रही है, यहाँ ही रखा हुआ था मेरे को, इसे बराबर सनलाइट नहीं मिलती थी, जिस कारण ये इसके बीच में पत्तियों में गैप आ गया है। और नेक्स्ट सकुलेंट है हमारा एगावे, ये भी अच्छा है, इजी हार्डी प्लांट है, हार्डी सकुलेंट से है ये भी इजी ग्रो हो जाता है, बस के एक बार आप सॉइल अच्छी डाल दें इसमें तो ये ग्रो अच्छा पकड़ेगा। ये देखिए, जब मैंने सकुलेंट ग्रो करना शुरू किया था तो मैंने इसी फायर स्टॉर्म से सकुलेंट से स्टार्ट किया था, और उसको मैंने कटिंग से और लीफ से प्रोपोगेशन किया था। लीफ से यह है कि आपको लीफ को न्यू बिगनर के लिए, अगर लीफ आपने ऐसे तोड़नी है कि इसके स्टेम के पास से जो उसका स्टेम का वो होता है फाइबर, वो भी इसमें आना चाहिए इसके साथ में। थर्ड सकुलेंट आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये भी मेरा स्टार्टिंग का प्लांट है, इसी से मैंने कितने सारे प्लांट बनाए। ये भी इजीली सीडम की वैरायटी है, ये भी इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है अपनी पत्तियों से, इसकी इतनी सी लीफ से भी आप पूरा प्लांट बना सकते हैं। ये भी अच्छा है, बस इसको सनलाइट चाहिए बराबर। देखिए कैसा इस पर कलर इंक्रीज हुआ है, देखना आप रेड टिप इनके। और जो भी सकुलेंट बिगनर हैं, अगर आप सकुलेंट ग्रो करने की सोच रहे हैं तो आप विंटर में सकुलेंट ग्रो करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और सकुलेंट इजी ग्रो हो जाते हैं। आप कैसी भी सॉइल में लगाएं, चाहे कोकोपीट में लगाएं, वर्मी कंपोस्ट में लगाएं या मिट्टी में लगाएं, सकुलेंट इजी ग्रो हो जाते हैं। तो आपको सीखने के लिए ये अक्टूबर मंथ बहुत बढ़िया है सकुलेंट ग्रो करने के लिए फॉर द बिगिनर। जब मैंने सकुलेंट ग्रो करना स्टार्ट किया था तभी भी मैंने तो बहुत चैलेंजेस फेस किए थे, क्योंकि ये विंटर में तो अच्छे ग्रो होते हैं, फिर समर में इनकी केयर करना और मुश्किल हो जाता है। तो यही है आज का, कि आप अगर सकुलेंट ग्रो करने वाले हैं तो आप अक्टूबर के महीने से स्टार्ट करें, और वो सकुलेंट पहले स्टार्ट करें कि जो हार्डी हैं, जैसे कि ये भी है एचीवेरा का, ये भी हार्डी एक सकुलेंट है, लीफ से प्रोपगेशन ईजी होता है इसमें। अब लोग कहेंगे कि प्रोपगेशन कैसे होते हैं, देखिए इनके ऐसे, ये कुछ टाइम पहले मैंने लीफ से प्रोपगेशन करना कर रहा हूँ, किसी किसी में तो आ चुके हैं ये, ऐसे मैंने इनके लिए एक बेड बनाया हुआ है जिसमें सॉइल डाली हुई है, और अभी मैं इसमें पानी का कोई स्प्रे नहीं देता हूँ जब तक इनकी जो मदर लीफ है उनसे इनको फूड प्रोवाइड हो रहा है। जब वो मदर लीफ ऐसे, ये देखिए ये जैसे जैसे ख़राब भी होते हैं ये लीफ, तो इनको हटा देना है इसमें से, नीचे भी हैं देखिए। और ये देखिए, ये हार्डी सकुल ये चीवेरा है जो उसकी बात कर रहा हूँ,
ये भी लीफ से इजीली मल्टीप्लाई होते हैं। इससे तो मैंने कम से कम 10-15 प्लांट बना दिए हैं इजी। एक प्लांट से मंगवाया था मैंने ये काफ़ी टाइम पहले। और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह की सॉइल इनके यूज़ करनी है, कैसे कैसे इनका प्रोपोगेशन करना है, कौन सी जगह में इनको रखना है, सनलाइट कितनी चाहिए और क्या टेम्परेचर इनके लिए होना चाहिए सकुलेंट्स के लिए। देखिए ये ख़राब हो गया। ऐसे ऐसी छोटी छोटी बातें इसमें होती रहती है सकुलेंट्स में। मैंने ये सकुलेंट की जर्नी इतनी इजी स्टार्ट नहीं करी है, इसके भी कम से कम मैंने 3 साल लगे हैं मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, तब जाके मैंने इतने प्लांट जमा किए हैं। देख रहे हैं एक कैक्टस से मैंने इतने सारे प्लांट बनाए हैं, देख रहे हैं एक प्लांट से इतने सारे। बस ये कि इसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिना पेशेंस के आप सकुलेंट ग्रो नहीं कर सकते। जितने ज़्यादा पेशेंस होगा उतना ज़्यादा आप सकुलेंट ग्रो करेंगे। सकुलेंट बिगनर के लिए पहला स्टेप यह है कि आप ऐसे सकुलेंट लें जो कि हार्डी हैं। दूसरा, सॉइल अपने जो सकुलेंट ग्रो करना स्टार्ट करना है तो अक्टूबर से स्टार्ट करें, ताकि आपके सकुलेंट आपको समझ में आ सकें कि सकुलेंट प्लांट है क्या। सकुलेंट को ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है, और इसमें फर्टिलाइज़र कब कब जाता है। मेनली इसमें फर्टिलाइज़र विंटर में ही जाता है, गर्मी में इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और सकुलेंट रखने की जगह कौन सी अच्छी सेलेक्ट करें हम, कि विंटर में तो बढ़िया रहता है, टेम्परेचर भी कम रहता है, सनलाइट भी कम निकलती है, तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें। उसको ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह से सुबह की धूप लगे, 9 से 12 बजे की धूप लगे, बस उसमें आपको सकुलेंट चले। और विंटर में आपने ज़्यादा पानी भी नहीं देना है सकुलेंट में, 3-4 दिन में एक बार पानी देना है, वो भी स्प्रे से करना है, बस पत्तियों में नहीं, डायरेक्टली आपने ज़मीन में सॉइल में इसकी करना है। आप किसी भी सॉइल में लगा लें सर, ये मैटर नहीं रखता है, बस गर्मियों में थोड़ा इसकी केयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है इस वजह से। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।